जय माता दी सभी को। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से लाइव अपडेट में आपका स्वागत है। आज दिनांक 19 दिसंबर 2023 और सुबह सुबह का मौसम है। आप हमारे साथ बने रहिए, आज की सारी अपडेट आपको दी जाएगी। सबसे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कटरा से डेली आपके लिए बिल्कुल फ्रेश अपडेट देते रहते हैं, तो आपको कटरा से एक एक जानकारी कटरा से मिलती रहेगी। नया साल आने वाला है तो अभी तक आपको बता दें कि भवन के ऊपर अभी तक बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, लेकिन जैसे ही 23 दिसंबर से जो सरकारी छुट्टी पड़ जाएगी और उसके बाद जो 25 तारीख से स्कूल के बच्चों की छुट्टियां पड़ जाएगी, कटरा में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने वाली है। अभी आपको बता दें कि 22 तारीख से पहले अभी भवन के ऊपर बिल्कुल भीड़ नहीं है। आधे घंटे के अंदर आपका भवन के ऊपर दर्शन करने के लिए नंबर आ जाता है और ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, ना लोकर्स के लिए लंबी लाइन लगती है। वहीं अगर अर्धकुंवारी की बात की जाए तो अर्धकुंवारी पर आपको 12 घंटे का समय लग सकता है। इस टाइम फिलहाल आपको 12 घंटे का टाइम लगेगा वहां पर। चलिए, इसके बाद वैष्णो देवी कटरा में ट्रेन के अंदर भीड़ कितनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारे सामने खड़ी है मालवा गाड़ी और अभी इसके अंदर जाकर देखते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, 8:20 हो चुके हैं और इसके अंदर देखते हैं। अभी देखिए, आराम से, बिल्कुल आराम से लोग बैठे हुए हैं और ऊपर की सीटों पे तो सिंगल सिंगल आदमी आराम से लेटे हुए हैं। तो कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग सिंगल सिंगल लेटे हुए भी हैं। तो आप देख सकते हैं, इस टाइम ये पहली गाड़ी है कटरा के अंदर। अगर पहली गाड़ी के अंदर भीड़ नहीं नज़र आ रही है तो फिर मान के चले कि इस टाइम बिल्कुल भी कटरा में ज़्यादा भीड़ नहीं है। रजिस्ट्रेशन काउंटर के ऊपर भी आपको भीड़ देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर आप या तो गाड़ी के आते ही जस्ट थोड़ा सा भागकर या फिर थोड़े स्पीड के साथ पहुंचते हैं तो आपका नंबर 5 मिनट के अंदर आ जाएगा। और आपको जनरल टिकटों के बारे में बता दें कि जनरल टिकटों के लिए कोई ख़ास आज के टाइम पे रस नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये 25 तारीख के बाद काफ़ी बढ़ने वाला है। आप अपने साथ कोई ऐसी चीज़ लेकर ना चले जो थोड़ी सी आपत्तिजनक हो, क्योंकि कटरा स्टेशन पर बढ़िया से चेकिंग की जाती है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है तो आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्टेशन बिल्डिंग के अंदर ही आपको बता दें कि खाने पीने की काफ़ी सुविधाएं आपको मिल जाएगी। ये जो आप सामने देख रहे हैं शॉप बना रखी है, इसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ये बिल्कुल रजिस्ट्रेशन काउंटर के बिल्कुल साथ में है। सुबह सुबह का टाइम है, मौसम बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ही साफ़ सुथरा दिन रहेगा आज। और अभी आपको बता दें कि धूप कटरा में निकल चुकी है। बिल्कुल जी, सही सुन रहे हैं आप, बिल्कुल कटरा में धूप निकल चुकी है, बहुत ही बढ़िया। और पूरे दिन ही आपको धूप यहां पर खिली मिलेगी और पूरे दिन ही ऐसा साफ़ सुथरा मौसम बना रहेगा। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, बहुत ही बढ़िया धूप खिल चुकी है, पूरे दिन ही मौसम साफ़ रहने वाला है। हेलीकॉप्टर सेवा भी चालू हो चुकी है और भवन के ऊपर आपको रोपवे और बैटरी कार की सुविधा पूरे दिन चालू मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गाड़ियों की। आज कटरा में गाड़ी किस तरह से आ रही है तो आपको बता दें, श्री शक्ति तकरीबन अपने टाइम से 1 घंटा लेट पहुंची है। क्रांति गाड़ी 1/2 घंटा लेट चल रही है। वहीं जम्मू मेल भी तकरीबन 1/2 घंटा लेट चल रही है और जो अंडमान एक्सप्रेस है वो तकरीबन 2.5 घंटे लेट चल रही है। मालवा एक्सप्रेस जो एज यूजुअल है 3.5 से 4 घंटे लेट चल रही है। लेकिन कटरा से जाने वाली सारी की सारी गाड़ियां अपने समय से जाएगी, बिल्कुल प्रॉपर टाइम से जाएगी। और मैं अपनी हर वीडियो में कहता रहता हूं, जिन लोगों के पास जनरल की टिकटें हैं और उनको सीट आराम से चाहिए, वो आराम से बैठकर जाना चाहता है, तो सीधे आप टिकट लेने के बाद इंजन की साइड में चले जाइएगा। वहाँ पर जो भी जनरल डब्बे होंगे उनमें आपको काफ़ी जगह मिल जाएगी। शाम के टाइम भवन के ऊपर अगर आपको ठहरने की व्यवस्था में परेशानी हो रही है तो आप सीधे दुर्गा भवन में जा सकते हैं। वहां पर आपको लोकर्स की सुविधा मिल जाएगी, साथ में साथ लेटने बैठने और गर्म पानी की सुविधा भी मिल जाएगी। वहां पर आपको 100 रुपये एक कंबल के जमा कराने पड़ते हैं सिक्योरिटी के रूप में, या फिर आप चाहे कितने भी कंबल ले लीजिए, 15 कंबल ले लीजिए, आपको 1500 रुपये पे करने पड़ेंगे। और जब अगले दिन आप वापस उनको लौटाएंगे तो आपके 1500 रुपये वापस हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी ये सबसे बढ़िया रहता है कि आप वहाँ पर आपको लोकर भी मिल जाते हैं, नहाने धोने की बढ़िया से सुविधा भी मिल जाती है और साथ के साथ आपको लेटने की भी सुविधा मिल जाती है।
हम जो आपको जानकारियाँ दे रहे हैं बिल्कुल फ्रेश जानकारियाँ होती है, क्योंकि हम सुबह सुबह ही आपको वैष्णो देवी कटरा से हर जो विजुअल देख रहे हैं आप कटरा से देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय माता दी।